प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के 2000 से ज्यादा छात्रों से रूबरू हुए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने परीक्षा से पहले तनाव से उभरने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, परीक्षा का महत्व है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये जिंदगी की परीक्षा नहीं है तो हमारा भार कम हो जाएगा। इस परीक्षा के बाहर भी जिंदगी है, परीक्षा को एक अवसर माने और इसका आनंद उठाएं। इस दौरान एक महिला अभिभावक ने पीएम मोदी को सवाल करते हुए बताया कि पहले मेरा बेटा पढ़ाई में ठीक था, लेकिन आजकल ऑनलाइन गेम्स की वजह से वो कमज़ोर हो गया है। इस पर तुरंत पीएम मोदी ने कहा, ये पबजी वाला है क्या? पीएम के इस जवाब पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने माता पिता को भी सलाह दी है और कहा कि बच्चों पर अपने सपने ना थोपें, क्योंकि दबाव में बच्चे बिखर जाते हैं। अगर बच्चा असफल भी होता है तो माँ बाप उनका हौसला बढ़ाएं, सोशल स्टेटस की वजह से दबाव ना पालें। आग्रह होगा कि आपके सपने भी होने चाहिए, अपेक्षाएं भी होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर से परिस्थिति बिगड़ जाती है। जब भी आप बच्चे को कभी बहुत बढ़िया मानो खाना बनाया आपने, वो अपने मन से खा रहा है, लेकिन चूंकि आपने अच्छा बनाया है, आपको बहुत पसंद है, फिर बच्चों को कहो खाओ 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 तो खड़ा होकर के चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रेशर से रिएक्शन आता है। ऐसा न हो इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि वे कभी कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बना करके ले जाते